हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फेवरेट गेमर यंचू। गाइस आज अपन के लिए जा रहा है रियल कार क्रैश, जो कि काफ़ी ख़तरनाक वाला गेम है। इसकी ग्राफिक्स काफ़ी अमेजिंग है और आप देख सकते हो बिल्कुल ग्लास डोर, मतलब क्या शाइनिंग कर रहा है कार्स की ग्राफिक्स, और ये लो बजट मोबाइल में भी आराम से चल जाएगा। तो गाइस इस गेम को स्टार्ट करते हैं और वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। कार का पूरी अपग्रेड है, इंजन लेवल 10 अपग्रेड है और कंट्रोल्स भी लेवल 10 अपग्रेड है और चेसी ड्यूरेबिलिटी भी अपग्रेड है और नाइट्रो भी अपग्रेड है और व्हील्स भी मैंने काफ़ी अच्छे लगाए हुए कार्स में। और इस मतलब पूरी डाउनेस में अभी कोई हाइट नहीं दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो बेसिकली इसमें अपन फोर टेस्ट करेंगे, पहला रैम टेस्ट, सेकेंड क्रैशर टेस्ट, थर्ड अपन करेंगे पिलर टेस्ट और फोर्थ करेंगे बॉल टेस्ट, इससे अपनी क्वालिटी पता चल जाएगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस अपना फर्स्ट है रैम टेस्ट और अपनी कार का पहले अपन स्पीड टेस्ट करते हैं, कितना स्पीड पकड़ती है अपनी गाड़ी, फिर उस हिसाब से अपनी रैम का पता चल जाएगा ऊपर जा पाती है नहीं। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं। कार काफ़ी अमेजिंग है, बिल्कुल ग्राफिक्स भी काफ़ी ख़तरनाक वाले इस गेम में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्पीड के साथ, और साउंड भी आप सुन सकते हैं कार का, काफ़ी अमेजिंग साउंड आ रहा है नाइट्रो के साथ, और भी धमाकेदार हो गया साउंड। मतलब गाड़ी पैसा वसूल और गेम भी पैसा वसूल, मतलब फ्री गेम है पैसा वसूल तो क्या है, नेट वसूल अपना पूरा नेट वसूल हो जाएगा इस गेम से। ये आपको आराम से 2 MB गेम है बढ़िया चलेगा। तो गाइस अपन की 150, 160 और मेरे ख्याल से 170 तक टच कर लेगी गाड़ी। तो गाइस कार काफ़ी ओल्ड वाली है और इसकी ये है अपनी 1960 AWD फ्रंट व्हील ड्राइव है गाइस। कार्स तो काफ़ी मतलब स्पीड ठीक ठाक है, 170 तक टच कर लिया, 180 गाइस फाइनल स्पीड अब पता चल जाएगी, 177 ही है गाइस। तो काफ़ी सही स्पीड से अपना रैम तो आराम से हो जाएगा क्लियर। तो अपन करते हैं रैम का टेस्ट। ब्रेक भी काफ़ी तगड़े वाले हैं, आप देख सकते हैं मतलब क्या घूम रही गाड़ी। तो मेरी ड्राइविंग भी काफ़ी सही है, मैं खतरनाक ड्राइव करता हूँ। चलो रैम टेस्ट करते हैं, फर्स्ट रैम टेस्ट करेंगे। तो अपना फर्स्ट रैम टेस्ट के लिए अपनी गाड़ी 170 तक टच कर जाएगी, बट 180 बूस्टर भी दे देंगे, मतलब 177 तक लानी है गाड़ी। तो अपनी देखते हैं टॉप स्पीड चली गई है और आराम से 100 के ऊपर ही अपना रैम पार हो गया था, मतलब गाड़ी दम तो है भाई, गाड़ी पूरी मतलब खतरनाक क्वालिटी की बनाई गई है। तो गाइस गाड़ी का क्रैश हो गया, फर्स्ट रैम भी मतलब क्लियर हो गया। ये रैम में कोई डैमेज हुआ, रैम के ऊपर से डैमेज हुआ, तो रैम तो क्लियर हो गया। तो गाइस इसमें फ्रंट से बम्पर चला गया, हुड खुल गया और बैक गेट खुल गया है, और ये पीछे का बम्पर भी, ग्रिल भी डैमेज हो गई और हेडलाइट भी डैमेज हो गई, साइड से भी डैमेज है, पर ठीक ठाक गाड़ी चलेगी अभी भी 177 टच हो जाएगी। अब करते क्रैशर टेस्ट। क्रैशर टेस्ट में अपने पार पहला टेस्ट करते, ओके मुझे डर लग रहा क्या होगा, ओ भाई इसमें मेरे ख्याल से हवा ही से उड़ गई भाई गाड़ी, इसमें कोई गाड़ी टच नहीं हुई कहीं पर, देखो डैमेज नहीं हुआ इसमें, डैमेज हुआ ही नहीं है भाई। चले एक बार और ट्राई करते देखते क्या होता है, इस बार तो पूरा टच करेंगे, 1 2 3 भाई, आहा भाई आनंद आ गया गाड़ी को भाई, गाड़ी फिर से बच गई, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सा डैमेज हुआ साइड से, इसका नीचे का फुट स्टेप चला गया। तो गाड़ी अभी भी ठीक ठाक है, मतलब कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। अपना ये थर्ड क्रैश होगा इससे, क्रैशर से, ओके ओहो भाई इसमें हुआ भाई, इसमें तो डैमेज हुआ भाई, पूरी साइड से पूरी पूरा हो गया भाई। एक बार और हाँ भाई, इस ओ भाई ये वाला हो गया, इस क्या व्हील चला गया क्या, हाँ एक व्हील चला गया भाई, एक व्हील चला गया और गाड़ी का ब्लैक स्मोक हो गया भाई। ओ भाई गाड़ी अभी भी चल रही है, गाड़ी का बॉडी अलाइनमेंट पूरा, मतलब बॉडी पूरी चली गई, फ्रंट व्हील का एक और ये वाला व्हील भी हिलने लगा गाड़ी, मतलब पीछे के हुड्स
ब्लैक स्मोक निकाला इंजन से, और एक दो तो आगे के दोनों व्हील ख़राब हो गए, एक तो निकली के फिक गया। अभी भी गाड़ी चल रही है मगर मुझे पता नहीं गाड़ी चल कैसे रही। चल और क्रैश करेंगे और अब तक ये फूट ना जाए जब तक क्रैश करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस आपको मेरी थोड़ी आवाज़ आगे पीछे लगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो एक बार और ट्राई करते। ओके ओके भाई साहब क्या होगा। ओ भाई ख़त्म, गाड़ी ख़त्म हो गई। मुझे पता ही था इसमें ख़त्म हो गई क्योंकि अब करते हैं बस बॉल टेस्ट। ये गाइस अपने पास 4 बॉल्स हैं, अपन देखते हैं कितनी बॉल तोड़ पाती है गाड़ी, मतलब क्रैश ये बॉल मजबूत है या कार। चलिए चलते हैं फुल स्पीड के साथ और कार फुल स्पीड 170 पकड़ लेगी आराम से, देखते हैं पकड़ती है नहीं पकड़ती है। हो गया। ओ भाई फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल और ये थर्ड बॉल भी हो जाएगी। स्पीड पूरी घट गई। फ्रंट व्हील चलेगा भाई, दोनों साइड चले गए। आगे का हॉर्स पूरा चला गया, डोर ओपन हो गए, पीछे का मतलब अपना मिरर चला गया क्या। हाँ मिरर भी चला गया, अपना विंडशील्ड भी चली गई, विंडो भी चली गई आगे की डोर की, हेडलाइट भी डैमेज हो गई है। और गाड़ी अब देखते हैं चलती है नहीं चलती। फ्रंट व्हील है भाई, गाड़ी चल रही है अभी भी, गाड़ी चल रही मतलब भाई अजूबा है भाई। बॉल कम पड़ गई, चलो और बॉल है अपने पास तो अपन बॉल के पास चलते हैं जल्दी से फटाक से। तो ओके भाई देख लो भाई गाड़ी है क्या, टाटा की गाड़ी है क्या, इसमें कंपनी का मेंशन नहीं है कौन सी कंपनी है। तो भाई इस गाड़ी ओ लो भाई इसमें अभी भी बॉल, भाई गाड़ी चल रही है मतलब बॉल टेस्ट भी इस कार ने आराम से पास कर लिया। रैम टेस्ट हो गया, बॉल टेस्ट भी हो चुका है, मतलब आराम से गाड़ी पैसा वसूल, गाड़ी भाई गेम वसूल हो गया गाड़ी को चला। और कार आप देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट में बता देना, और कार आने वाली है जल्दी, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइस अब चलते हैं और बॉल्स के पास, ए कितने हुए हैं ये आराम से 4 4 3 7 8 9 भाई 10 बॉल क्रैश कर ली भाई। क्या गाड़ी है भाई, अभी भी चल रही है अब मतलब क्या भाई। बॉल ख़त्म हो गई। लो भाई यहाँ पे बॉल ही ख़त्म हो गई, गाड़ी ख़त्म नहीं हुई, गाड़ी चल ही रही है। फ्रंट व्हील होने के बाद भी गाड़ी चल रही है और मुड़क भी रही है, चल तो रही है साथ साथ स्टेयरिंग भी काम कर रहा है गाड़ी का। आहा भाई क्या मज़ा आ गया गाड़ी चला। तो अब इसको अपन रिपेयर कर लिया और साथ साथ अब करने जा रहे हैं ब्लड टेस्ट में गाड़ी का पूरी बॉडी अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, गाड़ी पूरी तरह से मिटने वाली है। चलो इस फर्स्ट ब्लड टेस्ट करते हैं। ओके 170 की टच हो जाएगी स्पीड, 170 के मुझे 170 करना है। तो ओके क्या हुआ, डैमेज हुआ आगे की ग्रिल चली गई, पीछे कोई डैमेज नहीं हुआ फिर भी स्क्रैच पड़ गया कैसे भाई। पीछे का पीछे का ये बैक गेट खुल गया क्या, मतलब आगे की ग्रिल तो पूरी दबी गई है और साइड साइड बम्पर भी पूरा अंदर चला गया। मैं गाड़ी में मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ और काफ़ी 170 की स्पीड से टकराई गाड़ी फुल स्पीड थी कार की। तो एक बार और ट्राई करते गाड़ी क्या डैमेज देती है। ओके 170 पे नहीं हो पाई, एक बार 177 पे करते। ओके भाई आहा भाई गाड़ी मतलब गाड़ी अभी भी कुछ नहीं हुआ, मतलब 2 बार प्लट आराम से सह चुकी गाड़ी, मतलब ओ व्हील हिलने लगा भाई, व्हील तो हिलने लगा, व्हील ये फ्रंट व्हील हिलने लगा है, साइड वाला हिलता है अभी नहीं हिला। चलो एक बार और ट्राई करते हैं फुल स्पीड 1 2 3 4 5 6। तो मेरी कार बचने वाली नहीं है इस बार भाई, फिर ब्लैक स्मोक आ गया भाई, ब्लैक स्मोक आ गया, मतलब फोर्थ वाले क्रैश में गाड़ी ने ब्लैक स्मोक छोड़ दिया और गाड़ी भी चल रही है। मगर अब इसका कंट्रोल थोड़ी डिफिकल्ट हो गया, फिर भी ठीक है अपन कंट्रोल कर लेंगे, अपन है हैवी ड्राइवर। अब गाड़ी की स्पीड तो पूरी चली ही गई, मतलब गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ गई 40-50 देखो, बैक जा रही स्पीड जा रही 50 तक पहुँचे, मतलब आगे साइड देखो भाई 40 से 40 से ऊपर जा रही है, नाइट रिक्वायर नहीं जा रही।
तो गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि कार अब स्पीड ज़्यादा पकड़नी थी और ये कार अब फट ही जाएगी, आराम आराम से 10-15 बार क्रैश करेंगे तो कार ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी तो वीडियो कमेंट में बता देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाय बाय।